नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सरोज एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि सपने में सफ़ेद सांप का देखना कैसा होता है, शुभ संकेत होता है या फिर अशुभ संकेत होता है। क्या आप जानते हैं कि सपने में सफ़ेद सांप देखने का मतलब क्या होता है? सपने में सांपों का अलग अलग रंग और अलग अलग स्थिति में देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सपने में सफ़ेद सांप बहुत ही कम लोगों को दिखाई देते हैं। जिनको ये दिखाई देते हैं वो लोग बहुत ही किस्मत वाले होते हैं। ज़्यादातर लोग सपने में सफ़ेद सांप को मारते हुए या फिर सफ़ेद सांप को काटते हुए देखते हैं। क्या आपको पता है इस सपने का क्या अर्थ है? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब बात करते हैं सपने में सफ़ेद सांप को देखना कैसा होता है। सपने में आपको एक सफ़ेद सांप दिखाई देता है तो यह सपना अच्छे भविष्य का सूचक माना जाता है। कई धार्मिक ग्रंथों में सफ़ेद सांप को भगवान का अवतार बताया गया है, इसलिए सफ़ेद सांप का दिखना कई तरह से शुभ संकेत देता है। इसमें अशुभ जैसा कुछ नहीं होता। सफ़ेद सांप को इतना शुभ माना जाता है कि कई देशों में तो सफ़ेद सांप के चित्र वाले वॉलेट भी बिकने लगे हैं। अब बात करते हैं सपने में सफ़ेद सांप को पकड़ना कैसा होता है। सपने में आप देखते हैं कि आपके पास चलकर एक सफ़ेद सांप आता है और आप उसे पकड़ लेते हैं तो ये सपना आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत देता है। ये सपना बताता है कि आने वाले दिनों में आपको अचानक से खूब सारा धन मिलने वाला है जो आजीवन ख़त्म नहीं होगा। अगर आप उस सांप को छोड़ देते हैं तो ये सपना आपके लिए शुभ संकेत नहीं देता है। ये सपना बताता है कि आने वाले दिनों में आपके हाथों से मौका निकलने वाला है, यानी धन मिलने की क्षणिक ही होगी। आपके पास धन आएगा लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। आप उसे धन का सही उपयोग नहीं कर पाने के कारण वो धन कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा। अब बात करते हैं सपने में सफ़ेद सांप का काटना कैसा होता है। दोस्तों, अगर हमें कोई सांप सपने में काट लेता है तो हमारे होश उड़ जाते हैं। अगर आपको सपने में सफ़ेद सांप काट लेता है तो ये सपना अशुभ नहीं बल्कि शुभ संकेत देता है, जिसके अनुसार आने वाले दिनों में आपके पास कई सारे आय के स्रोत होंगे, जिससे आप कुछ ही दिनों में धनवान बन जाएंगे। दोस्तों, इस सपने के बाद आपको भगवान शिव के मंदिर जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए ताकि आपका सपना और ज़्यादा प्रभावित हो सके। सपने में सफ़ेद सांप को मारना कैसा होता है। आप सपने में खुद को एक सफ़ेद सांप को मारते हुए देखते हैं तो ये सपना आपके लिए शुभ संकेत देता है। ये सपना बताता है कि आने वाले दिनों में आपको व्यापार और व्यवसाय में बहुत बड़ी उपलब्धि या सफलता मिलने वाली है। इस सपने के बाद आपका भविष्य सुनहरा हो जाएगा और देखते ही देखते आप मुसीबतों को पार करके सफलता के शिखर पर पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं सपने में सफ़ेद सांप का पीछा करना या सपने में सफ़ेद सांप का पीछे पड़ना कैसा होता है। जब कोई जहरीला जानवर हमारे पीछे पड़ता है तो इसका अर्थ है कि वो हमें काटने वाला है। सांप का पीछे पड़ना शुभ संकेत नहीं माना जाता है, लेकिन सपने में कोई सफ़ेद सांप आपको काटने के लिए आपके पीछे पड़ जाता है तो ये सपना आपके लिए अति शुभ संकेत माना जाता है, जिसके चलते ये सपना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में ऐसा संकट आएगा जो आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा। पहले तो आपके साथ बुरा होगा, लेकिन इसी बुराई के कारण आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन होगा जिससे आप कुछ ही दिनों में धनवान व्यक्ति बन जाएंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सपने में सफ़ेद सांप को पकड़ना या सफ़ेद सांप को दिखना, सफ़ेद सांप को किसी रूप में देखना शुभ संकेत ही देता है। सफ़ेद सांप अशुभ संकेत नहीं देता है। दोस्तों, आज हमने जाना कि सपने में सफ़ेद सांप को देखना कैसा होता है।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।